हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मुँ अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एवं आपण माने देखुचंती अनुराधा ओडिया टिप्स। आज ए वीडियो टी आम जानिबा कि महिला मानकु व्हाइट डिस्चार्ज बा धळा स्राव काहीं कि हेताए एवं पीरियड आसीबा पूर्वरु जदि आपणकर व्हाइट डिस्चार्ज बा धळा स्राव अत्यधिक होउची ताहाले एटाकु आपण प्रेग्नेंसीर प्राथमिक लक्षण बोली धरिबे कि नाही। तो चालंतु डेरी न करी आज वीडियो टी स्टार्ट करिबा। प्रथम कथा एठी मु आपणकु कहि रखुची कि व्हाइट डिस्चार्ज बा धळा स्राव एक सामान्य प्रक्रिया एवं एही प्रक्रिया सहायतारे आपणकर शरीर आपणकर वाजेना को क्लीन रखिया पई चेष्टा करथाय। साधारणतः आपणकर वाजेनेरु बा प्राइवेट पार्टरु एही सब डिस्चार्ज हेथाय ताहा आपणकर वाजेना को क्लीन रखिबारे सहाय्य करे एवं एही जो डिस्चार्ज हेथाय सेथरे आपणकर वाजेनेर डेड सेल एवं किछ बैक्टीरिया थांती जहाको कोइ एही फ्लूइड सहायतारे आपणकर वाजेना क्लीन आउट कर दिए एवं आपणकर प्राइवेट हाइजीन को मेंटेन रखे। प्रत्येक दिन जणे हेल्दी महिलांकर प्राइवेट पार्टरु पाखापाखि गोटे टी स्पून वाजेनाल डिस्चार्ज होता है जहाँ कनसीस्टेन्सी थिक हो पारे बा थिन हो पारे बा वाटरी कनसीस्टेन्सी हो पारे एवं एटार कलर व्हाइट हो पारे क्रीमी हो पारे बा ट्रांसपेरेंट हो पारे एवं एटा बिल्कुल भी नॉर्मल एबनॉर्मल केतेबेला आपण एहाकु मानिबे जदि एही डिस्चार्ज रो आपणको किछि दुर्गंध आसुची किंबा एही डिस्चार्ज होवा समय रे आपण किछि इचिंग बा कुंडेई होउची बा आपण परिस्रा कला बेले बा यूरिनेट कला बेले आपणको किछि बर्निंग सेन्सेशन होउची ताहाले एही डिस्चार्ज नॉर्मल न होई इन्फेक्शन को दर्शाए थाए। जो दिन भी आपणकर पीरियड स्टार्ट हुए माने आपणकर पीरियड रो स्टार्टिंग दिन ठारु आरंभ करी आपणकर ओवुलेशन पर्यंत आपणकर शरीर रे गोटे हार्मोन बहुत अधिक मात्रा रे बढ़िया को लागे जहाँ कि होची इस्ट्रोजेन एवं जेतेबेला आपणकर शरीर रे इस्ट्रोजेन रे मात्रा अधिक थाए सेतेबेला आपणकर वाजेनल डिस्चार्ज रो कंसिस्टेंसी वाटरी हे पारे क्लियरी हे पारे बा स्ट्रेची हे पारे। साधारणतः इस्ट्रोजेन रो लेवल आपणकर ओवुलेशन पर्यंत ही बढ़िबा को लागे एवं ता परे एटा धीरे धीरे कमियाबा को लागे एवं आपणकर पीरियड रो 14 16 दिन मध्ये जेला आपणकर ओवुलेशन हे जाए तापर इस्ट्रोजेन रो मात्रा धीरे धीरे कमिया पे लागे एवं प्रोजेस्टेरोन रो मात्रा धीरे धीरे बढ़िया को लागे एवं जेतेले आपणकर शरीर रे प्रोजेस्टेरोन रो मात्रा अधिक बढ़िया को लागे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रो प्रभाव रु आपणकर वाजेनाल डिस्चार्ज रो कंसिस्टेंसी चेंज होवा को लागे एवं एही समय रे आपणकर वाजेनाल डिस्चार्ज रो कंसिस्टेंसी व्हाइट हे पारे बा क्लाउडी हे पारे एवं एही समय रे जो आपणको वाजेनाल डिस्चार्ज ता हेथाए ताकु आमे साधारणतः ल्यूकोरिया बेली कहिथा। तेणु आपणकर वाजेनाल डिस्चार्ज रो कलर बा कंसिस्टेंसी आपणकर पीरियड रो ड्रे हिसाब रे चेंज हुए। साधारणतः आपणकर ओवुलेशन हबा परे आपण शरीर रे इस्ट्रोजेन रो लेवल कमीबा पई लागे एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़िबा पई लागे एवं जेतेले आपणकर नेक्स्ट पीरियड आसीबा को थाए तार किछि दिन पूर्वरु 7-8 दिन पूर्वरु आपणकर व्हाइट डिस्चार्ज रो मात्रा बढ़िबा को लागे एवं एटा बिल्कुल भी नॉर्मल। किंतु जदि सेही मास रे आपणकर कंसेप्शन सक्सेसफुल हे जाए एवं आपण प्रेग्नेंट हे जाए ताहले मध्ये आपणक शरीर रे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रा मात्रा अत्यधिक मात्रा रे बढ़िया को लागे एवं एही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रा मात्रा अत्यधिक बढ़िबा कारण रु आपणक व्हाइट डिस्चार्ज अधिकरु अधिक हबा को लागे। कारण जेतेबेला आपणकर युटेरस रे आपणकर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोटी जाई आरोपित हुए एवं आपणकर गर्भधारण सक्सेसफुल हुए एही एम्ब्रियो को बाहर बैक्टेरिया रु एवं बाहर इन्फेक्शन रु बचाइबा पई आपणकर वाजेना रु अत्यधिक मात्रा रे स्राव हबा को लागे एवं एटा मध्ये बहुत ही नेचुरल। तेणु जेतेबेले जे महिला प्रेग्नेंट होंती तांकर वाजेनाल डिस्चार्ज रो मात्रा बढ़िबा को लागे एवं प्रेग्नेंसी कनसीव कर सारला परे जणे प्रेग्नेंट महिलांकर वाजेनाल डिस्चार्ज रो कंसिस्टेंसी थिक हे जाए बा क्रीमी हे जाए। किंतु एही व्हाइट डिस्चार्ज को देखि जणे महिला प्रेग्नेंट हे सारचंदे बोली निश्चित हे जवाटा पूरा पूरी भूल। कारण एटा गोटे रिलायबल मेथड नुए प्रेग्नेंसी को कन्फर्म करिया पई जदि आपणकर पीरियड आसिया पूर्वरु आपणकु थिक क्रीमी टाइप रो व्हाइट डिस्चार्ज होउची एवं यहार मात्रा बढ़िबा को लागुची एवं ता सहित आपणकु प्रेग्नेंसी रो प्राथमिक लक्षण मध्ये सब प्रकाश पाइबा को लागुची जेमिति कि आपणकर स्वेलन आउ टेंडर ब्रेस्ट हे जायची आपणकु बहुत अधिका थका लागुची आपणकु नजिया सेस लागुची बा आपणकर मुंड बुलाउची आपणकु फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बा बारंबार परिसर लागुची आपणकर पेट सबबेले फुला फुला लागुची बा सबबेले गैस रे भर्ती हेला बेले लागुची आपणकर मुंड बिंधा बढ़ी जाए आपण को फूड क्रेविंग फिल होती आपड़ आटलिस्ट आपणकर पीरियड मिस हवा पर्यटन निश्चय अपेक्षा करूँ। जदि आपणकर पीरियड मिस हो जाए तो पीरियड मिस हबार 2-3 दिन पर 4 दिन पर आपण एक होम यूरीन प्रेग्नेसी टेस्ट करनी टेस्ट में आपंक 2 पिंक लाइन देखा जाए निश्चित हो जातु कि आप प्रेग्नेंट हो सारी।
ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଜିନାଲ୍ ଡିସଚାର୍ଜରୁ କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ବା ସେଠି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ବା ପୋଡ଼ୁଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଜିନାଲ୍ରେ କିଛି ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଛି ମାନେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିକ୍ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥିନ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ତା'ର କଲର୍ ୟେଲୋ ବା ଗ୍ରୀନ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ହାପି।